मम्मी जी एक बात कहूं? एक के बात से या तो कुछ ही ना ले एक बुझो मत ना बेटी, मेरा तो कति दिमाग खराब हो गया से। हमने तो शर्मांता ने वहां दान दहेज की बात भी ना करी, हमने सोची के रित्ति भेजेंगे कि मैं तो दान दहेज देंगे। इनके घर क्या ने तो कति ये शर्म नहीं आई, कति नंगी बुच्ची भेज दी। माँ कुछ तो देना चाहिए था, 10-5 सूट देने का तो हक बना था। हम उस दिन क्या सला रहे थे कि मारी तो रानी होगी कि हमारे तय तिल तागा मिलेगा। अपनी छोरी तय देखनी टूम दे दी और मारी बारी में कति आंख मीच गई। वकील तय ते को उठी दे रखी से बाकी 50-50 रुपए मोड़ो दिए। माँ तुम्हारा क्या तकड़ी हो, 20 साल का सोनिया तो रखना बैठती। अरे ओ सोनिया के फूफा, या सामान सुमन कुछ भी ना लाई। माँ इस बात की तो हमने पहले ना खुद कर दी थी कि हम बेटी आएगा एक भी पीछा नहीं ले, बिना दान दहेज लिए ब्याह करेंगे, करी थी कि नहीं करी थी? हाँ यह बात तो हुई थी भाई। तू न्यू बता माँ, हम के मैं इनके धन के भूखे से, हमारा सब कुछ है। अरीब मंत्री साहब हमने 11,000 रुपये इनाम के देगा, हमारा सारा परिवार सम्मानित हो जाएगा, और हमने के दिए सूखे सामान में कुछ ना धरा, लेना देना तो फिर भी पड़ा सा। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, हम धन के भूखे नहीं माँ, इज्जत के भूखे से। क्यों माँ? बात तो तेरी भी ठीक से बेटा। मैं एक पैर गाड़ी वाले का हिसाब कराऊं सुमा। इसने बहु मिल गई, इसने के और आगा ठेका से। ए तुम घबराओ ना, तुमने भी माल मिलेगा। माल कितना मिलेगा? 5-6 ट्रक भरका हुआ सके। ए ट्रक तो भीतर भरा खड़ा से, और तुम बस एक बे लाइट बंद कर कर चसा दियो। दीदी मम्मी, अरे कौन है? छोड़ छोड़ो, अरे कौन है? कौन? छोड़ो मुझे, छोड़ो। दीदी मम्मी, दीदी मम्मी, अरे कोई है? दीदी मम्मी, एक के बात होगी। कौन था? क्यों गए? क्या तो चिल्लाओ थी? मम्मी देखो ना मेरे गहने। क्यों गया दीदी? दीदी मेरे गहने किसी ने निकाल लिए। दीदी माजी मेरे गहने। एक कौन था देखियो। मम्मी जी कमरे में तो कोई दिखता भी नहीं। एक कौन ले गया, तने पता भी नहीं चला? अंधेरा था मम्मी, कुछ भी नहीं दिखाई दिया, पर आदमी नहीं औरत थी। औरत? उसमें से कुछ गंदी गंदी बदबू आ रही थी। ये बदबू तो हम सारिया में तो आवे से, और इब्बे तो नहीं आई से, थोड़े दिन में तेरे में तभी आन लाग जाएगी। सासू मम्मी मने तो वो भूत नहीं लागे से जिसने दीदी के जेवर उतारे थे। दीदी के भी जेवर उतारे थे, ऐसी कौन सी भूतनी थी? ए दिख जा ना तो अपनी ससुराल ने कच्ची न खा जाएंगी। एक के बोल रही सर? सासू मम्मी आपने नहीं कह रही, मैं तो उस भूतनी ने कहूं सू। कोई बात नहीं, नकली थे भूतनी भी खुश हो जाएगी। 300 रुपए के तो थे, मैं बाजार से जाके और ले आऊंगी। नकली थे हमने सोची सोने के थे। खामे न तो ही। मेहनत क्या मतलब दीदी? इसका मतलब से कि भूतने की खम खाखा बात हुई। ए बेटी ये मैंने पाए से, ये तेरे तो नहीं से। ये मने भी मिले थे, तेरे तो नहीं से। मेरा ये आपको कहां से मिला? बाजती आना भूतनी के हाथ में तो पड़ गए होंगे,
मैंने तो कुर्सी द्वारा पड़े पाए थे। आपके हाथ लग गया तो आपने दे दिया, और किसी के हाथ लग जाता तो वापस ही नहीं मिलता। दीदी आपको कुछ नहीं मिला, कुछ तो भूतनी ने आपके पास भी गिराया होगा। मैंने तो आंगन में टोप पड़े पाए थे, मेरा तो जब्बा जच गई थी, जरूर सोनिया के पाऊंगे। मैं तो किसी का सोना पड़ा हो ना, मैं तो उसने भी नहीं ठाया करूं, ये तो फिर भी नकली थे। मैंने तो बेबी किसी का कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया और सब कुछ है, और ये नकली गहने गुणे थे मैंने पूरे पहली अच्छी नहीं लगती। ए सब टका सुत्ती बात तो यहाँ से, अक असली नकली का पता है ना चलता, असली के चक्कर में नकलिया नहीं ले जा से, और पाछे घर जाकर पछतावे से, अखम में खाए खुबात हुई। ए बेबे चलो, बिना बाप के कुछ नहीं मिला करता। चाची आपको पता है आपके गहने किसने चुराए थे? मुझे पता है बेटा किसने निकाले थे। चाची अगर ये सोने के होते ना तो कोई वापस नहीं देता। एक बात बताओ बेटा, ये गहने सोने के हैं? सोने के हैं? नकली नहीं बताती तो बेटा गहने नहीं मिलने थे, नकली बताए तो ही वापस मिले। ये बात है। हाँ बेटा ये एक ड्रामा था, जैसा उन्होंने मेरे साथ किया वैसा मैंने उनके साथ कर दिया, कैसा रहा? अच्छा रहा चाची, अच्छा रहा, जैसे को तैसा मिला। वकील साहब आप अपना नाम तो बताइए। अरे ये तो वही बात हो गई कि बसंती तुम्हारा नाम क्या है? अरे मेरा नाम वकील है। अरे पेशे से वकील हो, कुछ नाम तो होगा। मैं तो नाम नाम का वकील हूँ, अगर पैसे से पूछोगी तो बेरोजगार हूँ। बेरोजगार? और आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। मजाक नहीं, मेरे पापा ने बताया नहीं कि मैं 10वीं पास हूँ, मैं कोई वकील वकील नहीं हूँ। 10वीं पास? हाँ। ओह माय गॉड, आप सिर्फ 10वीं पास है? हाँ। ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, टोटली कंफ्यूज। आप 10वीं पास, आप पोस्ट ग्रेजुएट, मेरी शादी एक 10वीं पास से हुई है। देख सोनिया, मैंने इस बात का बिल्कुल नहीं बेरा कि थारे को वकील बताकर रिश्ता कराया से, अगर मैंने इस बात का बेरा होता तो मैं तेरे आगे क्यों बताता? अब आपके बताने से क्या फायदा, मैं तो मन ही मन खुश हो रही थी कि वो कोर्ट से आएंगे और मैं उनका कोट उतार कर हैंगर पर रखूंगी, उनके जूतों के फीते खोलूंगी, पर अब सब उम्मीदों पर पानी फिर गया। एक काला कोट और जूते तो इसका दौरा है, कोट में नहीं तो खेत में पैर कहाँ जाएगा? देख भाभी बकवास ना करो, सोनिया पहले दुखी है, ये सारा उल्टा काम पापा ने कराया है। देख सोनिया सच्चाई तेरे सामने आ गई, अगर तू मन अपना पति मान कर रहती हो तो तेरा घर है, अगर तू मन अपना पति नहीं मानती हो तो मैं तेरे गाड़ी करके ये बथरे घर छोड़ जाऊंगा, मैं और क्या कर सकूं? ये फैसला तेरे हाथ में है, चाहे माफ कर और चाहे सजा दे। सजना तेरी अदालत में
सजनी करे अपील। छोटा महसूस कर रहा हूँ। छोटा तो आप तब महसूस करेंगे जब मैं आपको छोटा रहने दूंगी। छोटा तो छोटा ही रहेगा, तू मना बड़ा क्यों कर बनाओ। मैं आपको आपके भाइयों की तरह डीसी या नाम का थानेदार नहीं रहने दूंगी। मैं आपको असलियत में वकील बनाकर छोड़ूंगी। मैं इकित मजिस्ट्रेट लगूंगा, खेती बाड़ी करके काम चला लूंगा। मैं एक वकील की बीवी बनकर आई थी और वकील की ही बीवी बनकर रहूंगी, किसी खेती वाले के बनके नहीं। मैं आपको बीए कराऊंगी, उसके बाद एलएलबी कराऊंगी और आपको
अच्छा एडवोकेट बनाऊंगी। या एलएलबी क्यों है? अरे बुद्धू, एलएलबी करने के बाद ही वकील बनते हैं। मैडम आप आता है, बिना एलएलबी करें उस दिन के वकील बन रहे थे।